सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला यावर मी एकच उत्तर देईन, हिंदीत हिंदीत बोलायचं ठीक आहे. इसके ऊपर ना मेरे को किसी ने आमिष दिखा है, ना मेरे को किसी ने घर देने का वादा किया है. सबसे पहली बात, जब भी मैं मेरे दोस्त के घर पे रह रहा था सोलापुर में 10-12 दिन से, उन्होंने मुझे आसरा दिया था, दो वक्त का खाना और सोने के लिए जगह. जब भी मैंने मेरे वाइफ को कॉल किया तो मेरे वाइफ ने इतना ही बोला, ये सब क्या चल रहा है, मेरे घर पे पुलिस आ रही है, मेरा हम लोग का इंक्वायरी कर रही है, पुलिस स्टेशन बुला जा रहा है करके. तो मैं वाइफ को बोला, तू कुछ कर मत, पुलिस स्टेशन जा मत, तू थोड़ा रुक, मेरे तो 2 दिन का टाइम दे. तो मैंने उस दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट किया कुछ हो सकता है क्या इसमें, तो वहां पर उन्होंने बोला रुक जा. स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के जो सोलापुर जिला अध्यक्ष है काले जी, उनके पास वो मुझे लेके गए. फिर मैंने उन्हें सब जो भी मेरे पास मोबाइल में था वो सब मैंने उनको स्टोरी बताया, सर ऐसा ऐसा है, अभी इसमें मैं पंच हूँ तो क्या मेरे ऊपर कुछ हो सकता है. तो मैं अंदर से पूरा डर गया था, मेरे फैमिली के मतलब मैं सोलापुर में हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा फैमिली प्रॉब्लम क्या है. तो मेरे फैमिली को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं किसके लिए जाऊंगा संजयपुर. इसके बाद फिर उन्होंने मुझे उन्होंने अपने जो स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक है मनोज भाई संसारी, उनसे उन्होंने बात की. भाई ने बताया कि उनको यहाँ पर लेके आ, इधर आने के बाद भी मैंने मेरा पूरा उनको जो भी ऑडियो है फोटोज वगैरह सब है उनको दिखाया. उनको ये बात उन्होंने पहले ये बात देखी, मतलब जांच उन्होंने भी की इसकी, ये सच है या नहीं. उसके बाद उन्होंने बोला तू अभी मीडिया के सामने आ जाओ, जो भी है सब बता. उघड की शांत है तो माला ऑब्व्हियसली मला बदनाम करण्याचा आता डाव चालूच झालेला आहे. यांनी एकूणच फोन केला होता आणि त्याच्यानंतर पैशांची मागणी केली होती, मात्र हा आरोप त्यांनी फेटाळून लावलेला आहे. मुळात तुम्हीच पंच म्हणून सही केल्यानंतर त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली होती असा थेट आरोप त्यांनी देखील केलाय. ते याबद्दलचे जे पुरावे आहेत ना ते माझ्या व्हॉट्सअप चॅटिंग मध्ये आहेत. काय नेमके पुरावे? यू गो टू अजी अली, I told you, finish the work which I told you and come back to home. पण याच्यात जी देवाणघेवाण आहे किंवा पैशांचा विषय आहे याविषयीचे काही संदर्भ आहेत का? संदर्भ म्हणजे मला कळलं नाही, मी ऑलरेडी सर्व सांगून होतं. इकडनं मी 50 लाख विचारलेले इंडियाना हॉटेल ताडगाव रोडचे इकडनं, त्यानंतर मी ते जसे मी त्या दोन पॉलिथिनच्या बॅग होत्या कापडी पिशवी त्या उचलल्या गाडीत टाकल्या इनोवा मध्ये, मी रिटर्न थेट आपल्या वाशीच्या राहते ठिकाणी गेलो त्यांचे राहते. 22 जुलै को जो मैंने मेरा ड्यूटी जॉइन किया, ये पहले भी आपसे बता चुका हूँ शायद. 6 सितंबर को मेरी लड़की का बर्थडे था जो सबसे मेरी एल्डर डॉटर है. 5 सितंबर को मैंने उनको बोला सर मेरा सैलरी का जो फिक्स हुआ था वो हिसाब से मुझे सैलरी दे दो, मेरी लड़की का बर्थडे है. तो बोले ठीक है, मैं दूसरे दिन तू निकल जा एक दिन के लिए, मैं तेरे को 12 बजे के बाद मैं ट्रांसफर करता हूँ. शाम को 5 बजे तक मैंने उनको एक भी कॉल नहीं किया था. जब भी मैंने 5:05 में उनको कॉल किया मुझे रिप्लाई आया, अरे यार अभी तक मेरा पैसा आया नहीं, अरेंज नहीं हुआ है, तो एक काम कर मैं किसी से करवाता हूँ. 7:30-8 बजे के बीच में मुझे उनके जो दोस्त है अमर करके जो कोलकाता से, उनके अकाउंट से मेरे फोन पे पे ओनली 5,000 रुपीज मुझे रिसीव हुआ. उसके बाद 6 सितंबर की बात कर रहा हूँ जिस दिन मेरे लड़की का बर्थडे था, उसके बाद उसी वीक में जो सैटरडे था तभी सुबह के मतलब टाइमिंग अराउंड 8:30-9 बजते रहेंगे, 10,000 मुझे भेज दिए गए. टोटल कितने हुए? 15,000. उसमें से 8,000 मैंने मेरे वाइफ को रिटर्न किया, 2,000 मेरे लिए रखा क्योंकि मेरे भी कुछ खर्चे रहे. बात आई समझ में? और उसके बीच वाली मैं बात बोलता हूँ. 30 अगस्त को मेरी वाइफ का बर्थडे था. 30 अगस्त को मेरी वाइफ का बर्थडे था तो मेरे वाइफ को विश करके उन्होंने 3,000 रुपीज मेरे वाइफ के जीपे पे उन्होंने पेड किए, तो टोटल कितने हुए? 18,000. और भी कुछ इस दिन से कुछ लेना देना नहीं था. जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है. आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है. मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ. और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए टाइम टू टाइम दिए सब, वो जो भी है
और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। और इसके बाद में अभी ज्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि मुझे MRI जाने का है।